वेलकम बैक। आज के इस ट्यूटोरियल में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक ऐसा ट्रिक जो है कवर करेंगे जो कि आपका काम आसान कर देगा। वैसा ये तो जो सीरीज है ये एमआईएस इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर की सीरीज है। इस सीरीज में, इस एपिसोड में हम दो ऐसे क्वेश्चन जो है कवर करेंगे जो कि आपको आपका इंटरव्यू क्रैक करने में आसानी पैदा करेंगे। क्वेश्चन नंबर वन, इंसर्ट ब्लैंक रो आफ्टर ईच रो। अभी यहां पर जैसे कि ये लिमिटेड डेटा है तो मैं इस तरह से कुछ कर सकता हूं, लेकिन यहीं पर ही अगर डेटा साइज अगर ह्यूज हो, बहुत सारा डेटा हो, तो ये जो टास्क है ये काफी टाइम जो है लेने वाला टास्क आपके लिए साबित हो सकता है। इसके लिए मैं आपको एक जो है एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो कि आपका ये टास्क जो है कुछ सेकंड में कंप्लीट कर देगा। जैसे कि यहां पर हम कुछ भी जो है यहां पर एक जो है सपोर्टिंग जो है कॉलम इंसर्ट कर लेंगे। ऑलरेडी कॉलम है हमारे पास में, राइट, फिर भी कर लेते हैं, एक कॉलम इंसर्ट कर लेंगे यहां पे, सपोर्ट कॉलम। राइट, यहां पर हम क्या करेंगे, यहां नंबर्स टाइप करेंगे 1 2, उसके बाद जो है इसको सिलेक्ट करके नीचे तक ड्रैग कर देंगे। ठीक है, अभी ये नंबर 8 है, मतलब ये डेटा साइज कम रखा है ताकि स्क्रीन पर जो है आपको सभी चीजें दिख जाए। इसलिए तो यहां पर क्या करेंगे, जितना भी डेटा है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, जितना भी नंबर तक आपका ये जाएगा सीरीज उसको कॉपी कर लेंगे, उसके बाद इसको पेस्ट कर देंगे नीचे, राइट। उसके बाद कंट्रोल ए करके पूरा डेटा सेट सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद डेटा टैब में सॉर्ट का एक ऑप्शन होता है, इस पे जाएंगे। यहां पर जो कॉलम के नाम आते हैं सॉर्ट बाय, ये सपोर्ट जो हमने ऐड किया था इसको सिलेक्ट करेंगे, और वैल्यूज के अंदर में सॉर्ट ऑन, यहां पर जो है वैल्यूज, यहां अलग अलग ऑप्शन होते हैं 3-4, तो ये फर्स्ट जो ऑप्शन है वैल्यूज आपको इसको सिलेक्ट करना है, और उसके बाद यहां जो ऑप्शन है ऑर्डर में स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट इसको सिलेक्ट करना है और ओके कर देना है। तो ये देख लीजिए यहां पर जो है हर एक रो के बाद एक अल्टरनेट रो जो है ऐड हो चुकी है। अभी हम यहां पर जो है ये सपोर्टिंग कॉलम को यहां से डिलीट कर देंगे। उसके बाद आप जो है इसकी फॉर्मेटिंग जैसा करना चाहे वैसी कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, हाईलाइट द सेल्स लेस देन 5000 विथ रेड कलर। अभी यहां पर जो है ये एक सेल्स रिपोर्ट है और ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी मैं पढ़ चुका हूं। तो अभी यहां पर जो है जो 5000 से कम जिसकी वैल्यू है उसको रेड से हाईलाइट करना है। अगर हम मैन्युअली करने बैठे यहां पर तो ये काफी इसमें वक्त लग सकता है, राइट, क्योंकि अगर डेटा सेट ज्यादा हो अगर तो यहां पर आपके लिए एक ऑप्शन मिलता है, आपका जितना भी डेटा है उसको सिलेक्ट कर लीजिए आप। उसके बाद होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप जाइए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल्स रूल्स इस पर क्लिक कीजिए। इसमें ऑप्शन मिलते हैं आपको अलग अलग, इसमें सेकंड जो ऑप्शन है लेस देन उस पर आप क्लिक कीजिए। यहां पर आपको एक वैल्यू मिल रही है उसको आप वहां पर 5000 क्लिक मतलब टाइप कर लीजिए, और उसके बाद ये आपको किस तरह से करना है ये यहां पर जो है आप वो चीज मतलब जो है सेटिंग यहां पर कर सकते हैं, लाइट रेड फिल विथ डार्क रेड टेक्स्ट, उसके बाद इसको ओके कर दीजिए। ये देख लीजिए 5000 से जो भी कम वैल्यू थी वो यहां पर रेड से हाईलाइट हो चुकी है।